হ্যাঁ কেন বলে দিলা? হেন বলেছিলাম বাবু লিখলা এনা এনা তোমাকে বলে ঝগড়া হলো বললাম বাবু বাবু লিখলা এনা বলে দিলাম হ্যাঁ हम के ना ढंगा वाले बोले ना अब बोल दो आयन जल्दी क्या लिख इन बोली हम आयन जाए हाँ ताकि हम जाके बाबू जी चले के लोगों को हाँ लोगों तो लाना लेकिन बाबू बोले कब बाबू लिख लो है ना बाबू लिख लो काम पूरा कर लो इन बोले चला कल ऐसे ही बोलना हाँ मैं कल से ऐसे ही बोलूंगी रोज रोज ऐसे ही बोलूंगी ठीक है पर नहीं आया बताओ अगर नहीं आया ना मुझे हाँ। तो बताना चाहिए हाँ नहीं कल लोग को मारना नहीं चाहिए हाँ क्यों क्योंकि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है रोटी खाते हो तो तबीयत ठीक रहता है मारो सुनो हाँ सुनाओ अगर तबीयत ठीक नहीं रहता है ना मारते हैं ये अगर बच्चे लोग का तबीयत ठीक रहता है ना तब मारते हैं हाँ अगर बच्चे लोग का ना तबीयत ठीक रहते हैं तो नहीं मारते हैं किस दिन तुम्हारा तबीयत ठीक रहेगा उसी दिन मैं तुमको मारूंगी क्योंकि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है ना कल ठीक रहेगा तो ठीक है कल मारूंगी रोटी खाकर दवाई खाकर आराऊंगा अगर बुखार खत्म हो जाएगा तो भैया काम देंगे तो बाद में लिख लूंगा हाँ हाँ ठीक है तो दवाई वही खाकर तब तक कुछ लिख लो तब तक जितना काम है उतना लिखो इतना हाँ लिखो लिखो कितना जितना हुआ है ना उतना लिख लो जितना हुआ इतना लिख लो अब लिखवे लिख ले ले बाबू लिख लो ऐसे प्यार बोलते हैं प्यार से बोले हाँ मुझे नहीं मालूम था कि इससे प्यार से बोलते हैं ऐसा तो रोज रोज प्यार से बोलते हाँ हाँ बाकी डंडे से नहीं मारते हाँ हाँ तो ठीक है तुम लिख लो